डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 12th क्लासेस में हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नए चैप्टर को शुरुआत किए हुए हैं जस्ट ही, जिसका नाम है एमीन। और एमीन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। अब ये जो एमीन के तीनों प्रकार हैं, तीनों प्रकार को पहचाने थे भी हम लोग कि किसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी एमीन और किसको बोलेंगे सेकेंडरी और किसको बोलेंगे टर्शियरी, यानी कि 1 डिग्री किसको बोलेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का IUPAC नाम भी होता है। हालांकि 1 डिग्री एमीन का IUPAC नाम हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों के लिए IUPAC नेम का जो लिखने का तरीका है वो रूल नियम दोनों के लिए एक ही है। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, टॉपिक्स 2 डिग्री एमीन तथा, यानी कि सेकेंडरी एमीन तथा 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन के लिए IUPAC नाम, के लिए IUPAC नाम, यानी कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए हम लोग IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसके लिए भी कुछ रूल नियम है, लिखा जाए। क्वेश्चन, नाइट्रोजन के जिस ओर, फर्स्ट एरो में लिखेंगे नाइट्रोजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, कार्बन की संख्या ज्यादा होगा उसे उसे PC बनाएंगे, उसे PC बनाएंगे, PC मतलब प्रिंसिपल चेन बनाएंगे। सेकेंड एरो, जिधर से नाइट्रोजन नजदीक पड़ेगा, जिधर से नाइट्रोजन नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे। थर्ड एरो, इसमें सफिक्स के रूप में, इसमें सफिक्स के रूप में एमीन जोड़ा जाता है, इसमें सफिक्स के रूप में एमीन जोड़ा जाता है। चलिए अब ये तीन इंपॉर्टेंट रूल है, चलिए अब हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कैसे नामकरण लिखेंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के लिए। तो एग्जांपल हम लोग करते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, मान लिया CH3 है, CH2, CH2, यहाँ से N, चलिए अब ये हमसे कोई पूछेगा कि ये जो लिखा हुआ है यौगिक इसका ये कितना डिग्री एमीन है, तो हम जानते हैं कि एमीन के प्रकार को चेक करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन पे बैठते हैं, नाइट्रोजन पे बैठते हैं, नाइट्रोजन पे उंगली रखें और यहाँ से देखेंगे कि आखिर कितना कार्बन नज़र आ रहा है, कितना कार्बन इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन और दूसरा कार्बन इधर से, यानी कि ये नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो जब 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दो कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कितना डिग्री एमीन हुआ,
2 डिग्री एमिन, ठीक है। तो अब जब 2 डिग्री एमिन आया तो इसके लिए फार्मूला अभी हम लोग पढ़े, क्योंकि अभी जो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी, वो तो 2 डिग्री में चलने वाला है या तो फिर 3 डिग्री में चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि नाइट्रोजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज्यादा होगा पीसी चुनेंगे। तो नाइट्रोजन के एक ओर में सिर्फ एक कार्बन है और दूसरी ओर 3 कार्बन है, समझ में आ रहा है। तो नाइट्रोजन के एक तरफ 3 कार्बन और दूसरे तरफ एक ही कार्बन, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे देखना चाहें तो इस नाइट्रोजन के दोनों तरफ, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 1 कार्बन, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसको हम लोग पीसी चुनेंगे, यहाँ पे ये देखने वाला बात है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको पीसी चुनेंगे, क्योंकि यही जो है ज़्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन के जिस ओर कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा रहेगा उधर से हम लोग पीसी चुनेंगे। तो कार्बन का संख्या इधर ज़्यादा है नाइट्रोजन के, कितना है 3 ठो, और इधर कितना है 1 ठो, ठीक है। तो इसको हम लोग पीसी चुन लिए। अब पीसी जब चुन लिए, पीसी आखिर इसी को क्यों चुने, क्योंकि हम लोग पढ़े कि 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले में नाइट्रोजन के जिस ओर कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग पीसी चुनते हैं। तो नाइट्रोजन के इधर 3 ठो कार्बन है जो ज़्यादा है और इधर तो 1 ही ठो है, तो इसको पीसी बना लिए। अब नंबरिंग कैसे करना है, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना है जिधर से नाइट्रोजन नज़दीक पड़े। तो यहाँ से नाइट्रोजन देख पा रहे हैं ना, नाइट्रोजन यहाँ से 1 नंबर पे पड़ रहा है, क्योंकि इसका 2 ही छोर है, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3, ठीक है। अब ये जो मेथिल जुड़ा हुआ है, ये मेथिल कहाँ पे जुड़ा हुआ है, एन पे, तो लिखेंगे एन मेथिल, समझ में आ रहा है। एन पे जुड़ा हुआ है मेथिल, CH3 का नाम होता है मेथिल, तो एन मेथिल हो गया। और कितना कार्बन का चैन है, तो 3 कार्बन का, तो 3 के लिए होता है मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ हो जाएगा एन मेथिल प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग सिंपल वे में इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर मान लिया कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2 CH2 नेक्स्ट हो गया CHN CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आखिर ये कौन सा एमिन के प्रकार है, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ये अगर आप समझ पा लेते हैं तो फिर इजी हो जाता है कि अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो उसमें तो हम लोगों को चेक करना पड़ता है ना कि नाइट्रोजन के जिस ओर अगर ज़्यादा रहेगा कार्बन की संख्या, उधर ही हम लोग क्या करते हैं पीसी चुनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन कितना डिग्री है, ज़रा ध्यान से देखिए तो आपको पता चल रहा है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे 3 डिग्री है। कैसे 3 डिग्री है भाई, क्योंकि नाइट्रोजन पे बैठकर अभी हम लोग देख, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग नाइट्रोजन यहाँ पे 3 डिग्री एमिन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर वाला कार्बन, एक इधर वाला कार्बन और एक इधर का कार्बन। यानी ये जो नाइट्रोजन है, ये जो एमिन है वो 3 डिग्री एमिन है। और हम लोग सीखें कि 2 डिग्री या 3 डिग्री एमिन में हम लोग जो IUPAC नाम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं भाई, तो नाइट्रोजन के जिस ओर कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो देख पा रहे होंगे कार्बन की संख्या इसका ज़्यादा है ना। अब इसमें ज़्यादा है तो इसको पीसी बना लिए। अब पीसी में बोल रहा है कि जिधर से ये एक पीसी का एक छोर इधर हो गया, एक छोर इधर हो गया,
तो दोनों छोर से नाइट्रोजन जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इस ओर से नाइट्रोजन कितना नंबर पे पड़ रहा है, तो 1 2 3 नंबर, इधर से 1 2 3 नंबर, ठीक है। इसको नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो 3 पे ही जुड़ रहा है हम लोगों को पूरा नाइट्रोजन, क्लियर। अब अच्छा नाइट्रोजन पे क्या जुड़ रहा है, तो एगो मेथिल अब एगो एथिल, क्योंकि CH2 और CH3 का मतलब दुगो ना यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट एन मेथिल, और एन पे ही जुड़ रहा है एथिल, ठीक है। और कितना कार्बन का है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है, प्रोपेन एमिन है ना, तो प्रोपेन कितना एमिन, तो प्रोपेन पर 1 पे ना एमिन है, 1 पे ना नाइट्रोजन है, तो 1 एमिन। इसमें कितना कार्बन का चेन है, 5, तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन। और कितना पे ना एमिन जुड़ रहा है, तो 3 पे, तो पेंटेन 3 एमिन, ठीक है। तो ये हम लोगों का IUPAC नाम होता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। यहाँ पे सपोज दैट CH3 है, CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। इसका नाम लिखना है आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CH3 CH OH CH CL N H CH2 CH3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, CH3 CH CH2 CH CH3 N CH3 CH2 CH3, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, CH3 CH2 CH N H सॉरी CH हो गया, नीचे नाइट्रोजन, CH3 C2H5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, CH3 CH2 CH N CH2 CH3 CH2 CH3 सॉरी, और इधर भी C2H5, इसका भी नाम लिखना है। फिर इधर 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर कुछ इस तरीके से है, CH3 CH CH2 सॉरी, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH OH CH3। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है या तो 2 डिग्री है या तो 3 डिग्री है। अब इन 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन का IUPAC नाम आप खुद से लिखिएगा, और फिर हम चेक करेंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री का एमिन का जो नामकरण है IUPAC नामकरण, वो सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।